हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हिमांशु राव है, ट्रैवलिंग शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे दमन के होटल्स के बारे में, जो कि देवका बीच के पास में है और दमन बस स्टैंड के भी पास में है। आप उन्हें बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला होटल है होटल सिल्वर। ये देवका बीच के पास में है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है देवका बीच और इस होटल की, और बस स्टैंड के भी पास में है, अप्रॉक्स 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है बस स्टैंड और इस होटल की। जो रेटिंग है इस होटल की वो 3.8 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 1300 रुपीज़ टू 1450 रुपीज़ पर डे का है। जो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। तो काफ़ी अच्छा होटल है, देवका बीच के पास में है, तो आप इसे बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को इन्जॉय कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है द पाम व्यू। ये भी देवका बीच के पास में है, अप्रॉक्स 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस है देवका बीच और इस होटल की, और बस स्टैंड के भी पास में है। जो रेटिंग है इस होटल की वो 4 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 1200 रुपीज़ टू 1300 रुपीज़ पर डे का है। तो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 11 AM है और चेकआउट टाइम 10 AM है। तो काफ़ी अच्छा होटल है, देवका बीच के पास में है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को इन्जॉय कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर होटल समर हाउस। ये भी देवका बीच के पास में है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है देवका बीच और इस होटल की। जो रेटिंग है इस होटल की वो 3.7 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 2100 रुपीज़ टू 2200 रुपीज़ पर डे का है। जो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। तो काफी अच्छा होटल है, देवका बीच के पास में है, तो आप इसे भी बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे होटल मरीना। ये भी देवका बीच के पास में है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है देवका बीच और इस होटल की, और बस स्टैंड के भी पास में है, अप्रॉक्स 650 मीटर की डिस्टेंस है बस स्टैंड और इस होटल की। जो रेटिंग है इस होटल की वो 4.2 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 1900 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ पर डे का है। तो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 1 PM है और चेकआउट टाइम 12 PM है। तो काफी अच्छा होटल है, देवका बीच और बस स्टैंड के पास में है, तो आप इसे भी बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे है होटल गुरु कृपा। ये भी बस स्टैंड के पास में है, अप्रॉक्स 700 मीटर की डिस्टेंस है बस स्टैंड और इस होटल की, और देवका बीच के भी पास में है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है देवका बीच और इस होटल की। जो रेटिंग है इस होटल की वो 4 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ टू 2100 रुपीज़ पर डे का है। जो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 10 AM है। तो काफी अच्छा होटल है, बस स्टैंड के पास में है, तो आप इसे भी बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। सिक्स्थ नंबर पे होटल ब्राइटन। ये भी बस स्टैंड के पास में है, अप्रॉक्स 900 मीटर की डिस्टेंस है बस स्टैंड और इस होटल की, और देवका बीच के भी पास में है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जो रेटिंग है इस होटल की वो 3.9 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 2100 रुपीज़ टू 2200 रुपीज़ पर डे का है। जो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। तो काफी अच्छा होटल है, बस स्टैंड के पास में है, तो आप इसे भी बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। सेवेंथ नंबर पे होटल नानास पैलेस। ये भी बस स्टैंड के पास में है, अप्रॉक्स 700 मीटर की डिस्टेंस है बस स्टैंड और इस होटल की, और देवका बीच के भी पास में है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जो रेटिंग है इस होटल की वो 4 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 2100 रुपीज़ टू 2200 रुपीज़ पर डे का है। जो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। तो काफ़ी अच्छा होटल है, बस स्टैंड के पास में है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को इन्जॉय कर सकते हैं। एट्थ नंबर पर होटल सागर प्रेसिडेंसी। ये भी बस स्टैंड के पास में है, अप्रॉक्स 600 मीटर की डिस्टेंस है बस स्टैंड और इस होटल की, और देवका बीच के भी पास में है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जो रेटिंग है इस होटल की वो 3.7 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 2400 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़ पर डे का है। तो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। तो काफी अच्छा होटल है, बस स्टैंड के पास में है, तो आप इसे भी बुक कर सकते हैं। नाइन्थ नंबर पे है होटल साईं कृपा इंपीरियल। ये भी बस स्टैंड के पास में है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और देवका बीच से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जो रेटिंग है इस होटल की वो 3.9 आउट ऑफ 5 है, और जो प्राइस है वो 2400 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़ पर डे का है। जो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। तो काफ़ी अच्छा होटल है, बस स्टैंड के पास में है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। टेंथ नंबर पे है होटल द एमरल्ड। ये भी बस स्टैंड के पास में है, अप्रॉक्स 600 मीटर की डिस्टेंस है बस स्टैंड और इस होटल की, और देवका बीच के भी पास में है, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है।
जो रेटिंग है इस होटल की वो 4.1 आउट ऑफ 5 है और जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ टू 2650 रुपीज़ पर डे का है। तो चेक इन टाइम है इस होटल का वो 12 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। तो काफ़ी अच्छा होटल है, बस स्टैंड के पास में है, तो आप इसे भी बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को इन्जॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इन होटल्स को बुक कैसे करना है। सिंपली आपको डाउनलोड करना है गो आईबीबो ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको होटल वाले सेक्शन में जाना है, आपको जो भी होटल समझ में आया आपको सिंपली वहाँ पर टाइप करना है, अपनी डेट सेलेक्ट करनी है और इन होटल्स को बुक कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि होटल्स बुक करने से पहले एक बार होटल की पॉलिसी जरूर पढ़ लें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आंसर दे दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।